पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है। नाथ ने कहा, शिवराज आपने तो प्रधानमंत्री को भी अपने झूठ में शामिल कर लिया है। आपने कहा कि किसानों की आय दुगनी हुई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसानों की आय नहीं, हाय दुगनी हुई है। और किसानों की ये हाय आपको ऐसी लगेगी कि सत्ता आपको बाय कहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। जहां एक ओर शिवराज आए दिन कमलनाथ पर वार करते हैं, वहीं कमलनाथ भी वार करने में आप पीछे नहीं हैं। कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज, आप तो झूठ बोलने में माहिर हैं, जनता आपको पहले से ही झूठ की मशीन कहती है, लेकिन अब तो आपने प्रधानमंत्री को भी अपने झूठ में शामिल कर लिया। आपने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों की आय दुगनी हो गई है। मैं आपको बताता हूँ कि मध्य प्रदेश में किसानों की आय नहीं, किसानों की हाय दुगनी हो गई है। और किसानों की ये हाय आपको ऐसी लगेगी कि सत्ता आपको बाय कहने वाली है। किसानों की आय नहीं बढ़ी है, हाय बढ़ी है। अब किसानों की जो हाय है आपको बाय करने वाली है। शिवराज जी, जनता आपको पहले से ही झूठ की मशीन कहते हैं, लेकिन अब तो आपने प्रधानमंत्री को भी अपने झूठ में शामिल कर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि शिवराज सिंह, आपने किसानों पर बहुत जुर्म ढाया है। आपने किसानों की कर्ज माफी बंद कर दी, आपने 34 लाख किसानों को डिफाल्टर बना दिया, आपने किसानों की बिजली महंगी कर दी और आपने किसानों को ओलावृष्टि का मुआवजा नहीं दिया। मध्य प्रदेश के किसान की आमदनी पहले की तुलना में कम हो गई है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए। किसानों की हाय लेकर कोई सत्ता में नहीं बना रह सकता, इसलिए किसान और मध्य प्रदेश की जनता अब आपको बाय कहने वाली है। किसानों का कर्ज माफ बंद कर दिया, आपने किसानों का MSP पर मिलते वाला बोनस बंद कर दिया, आपने 34 लाख किसानों को डिफॉल्टर बना दिया, आपने किसानों को बिजली महंगी कर दी, आपने किसानों को ओलावृष्टि का मुआवजा नहीं दिया। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।